नमस्ते सुधा, परसों हमने विकारी जो शब्द है उसके चार जो उप प्रकार है वो हमने देखे थे, उसमें से एक था क्रिया। अभी क्रिया के सकारात्मक आकर्मक के रूपों की चर्चा हमने की थी, लेकिन उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि क्रिया के बाकी भी जो प्रकार है जिसको हम आगे जाकर चर्चा करने वाले हैं, और वो चर्चा आज हम करने वाले हैं। यहाँ पर क्रिया के जो दो और उप प्रकार है इसमें से पहली है सहायक क्रिया तथा दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। चलो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा के लिए लेते हैं सहायक क्रिया। अब देखो, सहायक क्रिया समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने चार वाक्य लिखे हैं। इन चार वाक्यों को अगर हम करीब से देखते हैं तो आपको वहां पर देखो कि सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया की आवश्यकता या सहायक क्रिया का जो महत्व है यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। देखो पहला वाक्य, पुलिस को देखकर चोर दौड़ने लगे। अब यहाँ पर दौड़ने लगे ये क्रिया है। दूसरा वाक्य, उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। यहाँ की क्रिया है रहना पड़ेगा। तीसरा वाक्य, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ एक क्रिया है। और अंतिम वाक्य, सिर्चन ऐसे शीतल पार्टी तुम ही बना सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो एक क्रिया है। अगर यहाँ पर जो क्रिया है वो देखिए, दौड़ने लगे, रहना पड़ेगा, ढूंढ रहा हूँ, बना सकते, इसमें दौड़ने लगा ये वास्तविक जो क्रिया है संयुक्त क्रिया है। अब ये संयुक्त क्रिया मतलब मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया के मेल से बनती है। मतलब संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनती है, यहाँ पर मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। यहाँ पर भी रहना पड़ेगा ये संयुक्त क्रिया है, इसमें ए मुख्य है प्लस ए सहायक है। तीसरा वाक्य, ढूंढ रहा हूं, यहाँ पर ढूंढना ये मुख्य क्रिया है और रहना ये सहायक क्रिया है। यहाँ पर बना सकते हो, बनाना ये मुख्य क्रिया है और सकना ये सहायक क्रिया है। इस तरह से देखो, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से बनती है संयुक्त क्रिया। अब यहाँ पर देखो, इन चार वाक्यों में जो मुख्य क्रिया है वो कौन कौन से, सबसे पहले दौड़ने मतलब दौड़ना, रहना, ढूंढ मतलब ढूंढना, और चार बना मतलब बनाना। मतलब इन वाक्यों में दौड़ना, रहना, ढूंढना, बनाना ये चार मुख्य क्रिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुख्य क्रिया के बाद एक और क्रिया आई है, जैसे कि यहाँ पर लगे मतलब लगना, यहाँ पर पड़ेगा मतलब पढ़ना, रहा हूं मतलब रहना, और यहाँ पर सकते मतलब सकना। अब हमें यह देखना है मुख्य क्रिया के बाद ये सहायक क्रिया क्यों आई है और उसे सहायक क्यों कहा जाता है। अब देखो, पुलिस को देखकर चोर दौड़ने लगे। अब यहाँ पर मूल क्रिया कौन से, मुख्य क्रिया कौन से, दौड़ना, दौड़ने मतलब दौड़ना। लेकिन यहाँ पर जो सहायक क्रिया आई है वो लगे, लगने, लगे मतलब लगना। अभी ये लगे मतलब लगना एक क्रिया यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मुख्य क्रिया को एक विशिष्ट अर्थ या भाव स्पष्ट हो जाता है। देखो कौन सा, यहाँ पर मूल क्रिया है दौड़ना और लगे मतलब लगना, मतलब लगना इस क्रिया से हमें यहाँ पर कार्य का जो आरंभ है वो आरंभ का भाव सूचित हो जाता है। मतलब दौड़ना एक मुख्य क्रिया है, उस दौड़ने का अभी जो काम है मतलब लगना है जो शब्द है उसका आरंभ सूचित करता है। मतलब मुख्य क्रिया का एक विशिष्ट भाव सूचित करने के लिए ये सहायक क्रिया आई है। दूसरा देखो कि उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अस्पताल में रहना ये मुख्य क्रिया है, लेकिन यहाँ पर रहना पड़ेगा मतलब पढ़ना। अभी पढ़ना इस शब्द से मतलब क्रिया शब्द से अस्पताल में रहने की एक तो आवश्यकता या मजबूरी का भाव स्पष्ट हो जाता है। मतलब रहना मतलब पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही शब्द से मतलब क्रिया शब्द से अस्पताल में रहने की है एक तो मजबूरी या तो आवश्यकता का भाव पर स्पष्ट हो जाता है। मतलब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता करने के लिए आती है। मतलब सहायक क्रिया वहां पर मुख्य क्रिया के विशिष्ट भाव तथा विशिष्ट अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आती है। देखो तीसरा उदाहरण, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूं। अभी घर ढूंढना ये मुख्य शब्द है, मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है, लेकिन यहाँ पर रहा मतलब रहना। अभी रहना मतलब आप देखो कि सातत्य मतलब कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए, सातत्य का बोध करने के लिए रहना ये शब्द आया है। मतलब ढूंढने का जो काम है अभी भी जारी है,
वो सातत्य से शुरू है, ये भाव इस क्रिया से रहना इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है। चौथा देखिए, सिर्जन ऐसी शीतल पाटी तुम ही बना सकते हो। यहाँ पर शीतल पाटी बनाना मतलब बनाना ही मुख्य क्रिया है, लेकिन सत्य मतलब सकना ये जो क्रिया शब्द है वो सिर्जन का सामर्थ्य स्पष्ट करता है। इस तरह से सहायक क्रिया वाक्य में क्यों प्रयुक्त तो होती है, मतलब उस वाक्य का विशिष्ट मतलब क्रिया का विशिष्ट भाव तथा अर्थ स्पष्ट करने के लिए वो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, इसीलिए वो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आती है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो उसकी डिफिनेशन किस तरह से बन जाएगी, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आती है उसे हम सहायक क्रिया कहेंगे, या तो सहायक क्रिया वो क्रिया है जो वाक्य का विशिष्ट अर्थ या विशिष्ट भाव स्पष्ट करने के लिए वो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आती है, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो वो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आती है, और दूसरी बात यह है कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद ही आती है। अब यहाँ पर देखो, दौड़ने लगे, रहना पड़ेगा, ढूंढ रहा हूं, बना सकते हो, मतलब मुख्य क्रिया के बाद आती है। अब इसको लेकर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे होगा, देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह के अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई भी दो वाक्य आएंगे, उन दो वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद जो सहायक क्रिया है वो आपको पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझो कि बोर्ड में आपको ये दो वाक्य आए हैं, तो उसका उत्तर वहां पर क्या प्रश्न क्या रहता है, निम्नलिखित वाक्य में आए सहायक क्रिया चुनकर उसका मूल रूप लिखिए। तो हमें कैसे लिखना है, जैसे कि एक वाक्य में आपको लिखना है, मतलब एक वाक्य पहला वाक्य लगे, लगे मतलब लगना, या फिर दूसरा क्रिया कौन सी आई है, पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब पढ़ना, यहाँ पर तीसरा वाक्य है तीन रहा मतलब रहना, और यहाँ पर चौथा वाक्य है सकते मतलब सकना। इस तरह से वाक्य में आए सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना, उसके लिए हमें वहां पर देखो कि दो वाक्यों में से एक वाक्य का हमें सहायक क्रिया पहचान ले, और उसके लिए आपको मार्क है एक। अभी क्रिया का जो दूसरा प्रकार है प्रेरणात्मक क्रिया, अभी प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसको लेकर हम तीन वाक्य देखते हैं। देखिए, जय आम खाता है, अभी यहां पर क्रिया कौन सी है, खाना, मतलब खाने की क्रिया है। अब यहां पर एक क्रिया जो है वो क्रिया करने वाला कौन है, आता कर्ता कौन है, जय, मतलब यहां पर इस वाक्य में ये जो क्रिया है इस क्रिया का कर्ता जो है वो स्वयं मतलब जय ही है, मतलब यहां पर कर्ता कौन है, स्वयं ही, जय आम खाता है, मतलब यहां पर एक क्रिया करने वाला अर्थात कर्ता जय है, मतलब कर्ता ही इस क्रिया का, मतलब एक कर्ता यहां पर एक क्रिया करता है, मतलब कर्ता ही स्वयं ही क्रिया करता है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी जय को आम खिलाते हैं, यहां पर क्रिया कौन सी है, खिलाते हैं मतलब खिला। अब यहाँ पर ये क्रिया जो है कौन सी, खिलाना, वो क्रिया कर कौन रहा है, मतलब पिताजी, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया करने का मतलब जो क्रिया है खुद में वहां पर देखो कि जय से हो रही है, लेकिन खिलाने का जो काम है यहाँ पर कर्ता कौन रहा था, पिताजी, मतलब यहाँ पर ये जो करता है इस क्रिया में एक भागीदार होता है, यहाँ पर कर्ता स्वयं क्रिया करता है, यहाँ पर कर्ता इस क्रिया में कौन होता है, भागीदार होता है क्रिया करने में। तीसरा लिखिए, पिताजी नौकर द्वारा जय को आम खिलवाते हैं, यहाँ पर क्रिया कौन सी है, खिलवाने की क्रिया है। अब यहाँ पर देखो कि जैसे कि हमने दूसरे वाक्य में देखा कि यहाँ पर क्रिया जो है वो क्रिया करने में जो कर्ता है वो कर्ता भागीदार होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वो भागीदारी है, कौन से, देखो पिताजी नौकर द्वारा जय को आम खिलवाते हैं, मतलब यहाँ पर तीसरे वाक्य में
जो क्रिया है खिलवाने की, वहां पर कर्ता ना केवल भागीदारी है, तो उसकी भागीदारी केवल प्रेरणा के रूप में, मतलब एक क्रिया करने में वो केवल कर्ता को वहां पर देखो कि प्रेरित कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर एक मूल क्रिया है, कौन सी, खाना। इसके दो रूप हमने देखे, एक खिलाना खिलवाना। इस तरह से प्रेरणात्मक क्रिया जो है, उस प्रेरणात्मक क्रिया के यहाँ पर हमने दो रूप देखे, जैसे कि मूल क्रिया कौन सी है, जैसे कि खाना। अभी यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया के जो रूप है उसमें पहला है प्रथम प्रेरणात्मक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणात्मक। जैसे कि अभी मैंने उसकी चर्चा की कि जैसे कि अभी यहां पर मूल क्रिया कौन सी है, खाना। यहां पर इसके जो दो रूप मिले हैं, एक तो पहला है खिलाना और दूसरा कौन सा है, खिलवाना। मतलब मूल क्रिया के जो हमने दो रूप देखे, इसमें से पहला जो रूप है उस रूप में कर्ता उस क्रिया में केवल कौन है, केवल एक भागीदार है। तो भागीदार है, इसीलिए हम उसे कहते हैं प्रथम प्रेरणात्मक। हमेशा मूल क्रिया जो है, उस मूल क्रिया की जब हम प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया बनाते हैं, तब उस मूल धातु को, अर्थात खाना का मूल धातु है खा, वहां पर देखो कि आ प्रत्यय लगता है। और यहां पर देखो कि द्वितीय प्रेरणात्मक, मतलब द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता जो है केवल क्रिया करने में भागीदारी नहीं होती, उसकी भागीदारी केवल प्रेरणा के रूप में होती है, इसीलिए हम कहते हैं द्वितीय प्रेरणात्मक। अब देखो कि यहां पर ये जो प्रेरणात्मक क्रिया की जो दो रूप है, आपको बोर्ड एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न किस तरह से आएगा। जैसे कि हम दूसरे उदाहरण लेते हैं, मिलना। अभी मिलना जो है यहां पर इसका प्रथम प्रेरणात्मक कैसे हो गए, मिलान, और दूसरा है मिलवान। आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से दो मूल क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया आएगी, और उसका प्रथम प्रेरणात्मक तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप आपको पूछा जाएगा। तो प्रथम प्रेरणात्मक रूप के लिए आधा अंक है और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप के लिए आधा अंक है। इस तरह से आपको प्रेरणात्मक क्रिया जो है वहां पर देखो कि एक अंक के लिए, जैसे कि हमने ये देखा कि यहाँ पर मूल क्रिया जैसे कि कर्ता स्वयं करता है, लेकिन प्रथम प्रेरणात्मक मतलब प्रेरणात्मक क्रिया में यहाँ पर ये जो कर्ता है वो कर्ता भागीदार के रूप में होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणात्मक। तथा द्वितीय प्रेरणात्मक में कर्ता केवल भागीदारी नहीं होता, उसकी भागीदारी केवल प्रेरणा के रूप में होती है। इसीलिए वहां पर देखो कि प्रेरणात्मक क्रिया की डेफिनेशन भी वैसी है, प्रेरणात्मक क्रिया वो क्रिया है जिससे कर्ता क्रिया न करने का संकेत होकर वो केवल क्रिया प्रेरणा के रूप में करता है, इसलिए उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्रिया के जो दो प्रकार है, सहायक कर्ता प्रेरणात्मक क्रिया, इसके हमने चर्चा की। हम जल्दी मिलेंगे दूसरे टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।